कानपुर में चौबेपुर इलाके के ख्वाजगीपुर विद्यालय में भूले बिसरे खेलों का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि श्री श्री 1008 स्वामी मूर्धानंद सरस्वती जी की पुण्य स्मृति में खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान परंपरागत और भूले बिसरे खेल का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों ने कैरम, शतरंज, रंगोली, रस्साकस्सी सहित कई तरह के खेलों में अपना हुनर दिखाया। बाद में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि उनका उद्देश्य ग्रामीणों में छिपी प्रतिभा को निखारना है। लगभग 20 वर्षों से संचालित हो रहा है और इस क्षेत्र में चौबेपुर ब्लॉक में ये पहला आयोजन है नॉन ओलंपिक, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धन के साथ इस क्षेत्र में किया गया है। और हमारी समिति के जितने भी प्रमुख लोग हों, चाहे हमारे आप प्रबंधक जी महोदय हों, अध्यक्ष महोदय जी हों, सब लोगों ने बड़ी ही रुचि के साथ में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन किया हुआ है। कौन कौन से खेलों का आयोजन हुआ? और इसमें बहुत सारे 150 खेल लगभग यहाँ पर जो है, चाहे रस्साकसी हो, चाहे वो टायर प्रतियोगिता हो जो लोग बचपन में खेला करते थे, कंचा प्रतियोगिता है, और महिलाओं की जितने रंगोली हो गई, रस्साकसी हो गई, कई प्रकार की यहाँ प्रतियोगिताएं खेली जा रही हैं। और इस प्रकार अभी नहीं, ये बहुत पहले से हमारे यहाँ इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं क्षेत्र में, कि ग्रामीण बच्चों का भी एक उत्साहवर्धन होता रहे और यहाँ से खेल के माध्यम से बच्चे अपनी शिक्षा में रुचि लेते रहे। और ये कोई बंद नहीं, हमारे कई विद्यालयों से भी बच्चे यहाँ आए हुए हैं जिसमें अपना कार्यक्रम जरूर दे रहे हैं। देखिए, हर तरह के खेल ओलंपिक में तो हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने खेल हैं, गुट्टा है, कंचे हैं, कैरम है, और तमाम घोड़ा जमाल खाई है, टायर रेस है, गांव में जो खेल होते हैं, तो इसके लिए यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन बनी है जिसके अंदर इन्होंने करीब 150 खेलों का चयन किया है। उसमें से संभावनाओं को देखते हुए, हर चीज की उपलब्धता देखते हुए 20 खेलों का आयोजन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिसमें मलखंब भी है और लेडीज गुट्टक खेल रही हैं, कहीं रस्सी कूद रही हैं, कहीं अभी रस्सा कसी होगी। इस प्रकार से हमारे बीच में उत्तर प्रदेश जो नॉन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके सचिव श्री ए के सक्सेना जी मौजूद हैं, ये आपको और भी बातें विस्तार से बताएंगे। ये स्कूल जो है स्वामी मुर्गानंद जी के नाम पे बना हुआ है, 200 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे इसमें बहुत भाग ले रहे हैं और उनके साथ में परिवार के लोग, बाकी तो आप नज़ारा यहाँ देख ही रहे हैं, बिल्कुल मेले जैसा हो रहा है।